शैतानिरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास टू, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी अबाउट योर प्रीवियस वर्क, हैव यू कंप्लीट योर ऑल वर्क? ओके, इससे पहले हम ये मैंने आज आपको रीडर का सफ़ा नंबर, रीडर आपका जो रीडर पेड़ की पहेली उसका सफ़ा नंबर 8-9 का काम शुरू करवाया है, ठीक है। इससे पहले हम 2 पेजेस का काम कर चुके हैं। क्या आपने पूरा रीडर पढ़ लिया है? मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा उसको, तो स्टोरी समझकर कि ये स्टोरी बुक है। अच्छा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ लें। अब आपने सबसे पहले ये करना है कि इसका सफ़ा नंबर, पेज नंबर 8 और 9, सफ़ा नंबर 8 और 9, पेज नंबर 9-8 दोनों की अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है इसका सवाल, ठीक है। सवाल है, चूंटियां सांप के मरने का इंतज़ार क्यों कर रही थी? चूंटियां सांप के मरने का इंतज़ार क्यों कर रही थी? अगर आपको याद होगा कि ताऊची जो था वो, उसके बारे में ये रीडर है, ठीक है। ताऊची जो था वो जंगल में रहता था, पेड़ पर रहता था। सबने रीडर अगर पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो दोबारा से पढ़ लें। ताऊची के बारे में है कि वो एक छोटा सा परिंदा था, चिड़िया का बच्चा था, ठीक है। वो कह रहा था, सारे परिंदे कह रहे थे कि पेड़ मेरे लिए उगा है, पेड़ मेरे लिए उगा है। जो ताऊची था वो बेचारा समझता था कि मेरा इस पर घर है तो ये पेड़ मेरे लिए उगा है। लेकिन सारे, जब सब परिंदे कह रहे थे, कोई सांप भी वहाँ पर एक आ गया जो सबको तंग करता था, तो अब जो बाकी के जो परिंदे थे वो सांप के चूंटियाँ जो थीं वो और बाकी के परिंदे जिनको वो तंग करता था वो उसके सांप के मरने का इंतज़ार कर रही थी, ठीक है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्यों कर रही थी? चूंटियाँ सांप के मरने का इंतज़ार इसलिए कर रही थी ताकि वो इसको खा सके, ताकि वो इसको खा सके। जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सांप को चूंटियों में क्या बुराइयाँ नज़र आती थी। अगर चूंटियों को सांप पसंद नहीं था तो सांप भी बेचारा जो चूंटियों को कोई ख़ास पसंद नहीं करता था, वो भी उनको समझता था कि ये अच्छी नहीं है। उसको बुराइयाँ नज़र आती थी। क्या बुराइयाँ नज़र आती थी? कि एक तो वो बहुत छोटी थी, अकेले नज़र नहीं आती थी। जब वो पेड़ के ऊपर चल रही होती थी तो वो अकेले उनको सांप को नज़र नहीं आती थी, ठीक है। और उसमें दूसरी बुराई क्या नज़र आती थी? चूंटी बेचारी इतनी छोटी सी होती है, देखिए ना आपने, चूंटी वो इतनी छोटी सी होती है। वो सांप बेचारा कहता है कि एक दो खाने से पेट ना भरता था। अब सांप इतना बड़ा और चूंटी इतनी सी, तो उसको क्या बुराइयाँ नज़र आती थी? बहुत छोटी थी, अकेले नज़र ना आती थी और एक दो खाने से पेट ना भरता था, ठीक है। आपने क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब करने के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इसकी अच्छी तरह से चैप्टर की रीडिंग करनी है, ठीक है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा आप इसको ऑन वर्डिंग में चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आंसर की सेंस चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये पूरा काम आपने कॉपी पर करना है, ठीक है। इससे पहले हम पेज पर करते रहे लेकिन अब आपको कॉपीज मिल चुकी हैं तो आपने ये काम उस पर करना है, ठीक है। उसके बाद है जी, इन्हीं 2 पेजेस से रिलेटेड खाली जगह पूरा है, ठीक है। ये आपने इसमें लिखना है, टहने से लिपटा था कौन? सांप। यहां पर हम लिखेंगे सांप। बारी बारी सबने कहा ये पेड़ मेरे लिए उगा है। इसके बाद हैं, ये पेड़ मेरे लिए रिपीट हो गया, ये मैं आपके पीछे रहता हूँ। कहाँ पर? आपके बिल के पीछे, जो उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था, पेड़ पर घर बनाकर रहते थे। उसके बाद है, सांप कह रहा है,
मैं आपका हूँ। जिन बच्चों ने अब अच्छी तरह से रीडिंग की होगी उनको समझ आ जाएगी, मैं आपका पड़ोसी पड़ोसी हूँ। ठीक है जी, इसके बाद है अच्छा जी, अब आपको पता है कि पेड़ पर एक गुलहरी भी रहती थी, पेड़ पर एक गुलहरी भी रहती थी। तो गुलहरी ने क्या किया, सांप को देखकर गुलहरी ने फौरन फौरन गुलहरी ने फौरन क्या किया, गुलहरी ने फौरन छलांग छलांग लगाई। उसके बाद है जी ताऊची नहीं जानता था, क्या करना नहीं जानता था ताऊची, ताऊची उड़ना उड़ना नहीं जानता था, ताऊची को उड़ना नहीं आता था। चींटियां सांप के सर पर चढ़ी जी, किसके सर पर, चींटियां सांप के। दरख्त की छाल से, दरख्त की छाल क्या होती है, दरख्त का छिलका, दरख्त आपने अगर देखा होगा उसके ऊपर ब्राउन ब्राउन एक मटेरियल सा होता है, उसको आप फील करें तो वो आपको हार्ड सख्त सा लगेगा, उसको कहते हैं छाल, दरख्त की छाल, दरख्त का छिलका। अच्छा जी, आप जिन बच्चों ने रीडिंग अच्छी तरह से की होगी उनको ज़रूर पता होगा कि दरख्त की छाल से जब चींटियाँ निकली तो उन्होंने क्या किया, शोर मचाया शोर मचाया। इसके बाद है जी चींटियां ये तो अब बड़ा ही आसान है, इसका अभी हमने क्वेश्चन भी लिखा है, ये तो बहुत ही आसान है, इसका भी क्वेश्चन भी लिखा ना यहाँ, तो ये तो सब बच्चे कह रहे होंगे मरने का, क्यों, ताकि वो उसको खा सके, मरने का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो उसको खा सके। अच्छा जी लास्ट है सांप को देखकर ताऊची
देखकर थर थर कांपने लगा। थर 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 कांपने का मतलब होता है कि जैसे आपको सर्दी लग रही होती है ना, तो आप शिवरिंग ऐसे से हो रही होती है, या फिर डर की वजह से किसी चीज़ से डर रहे हो, तो उसको हम कहते हैं थर थर कांपने लगा। ठीक है, चलिए जी, ये आपका काम है। अब आपने इसको अच्छी तरह से याद भी करना है और बहुत अच्छी नीट हैंड राइटिंग में आपने इसको लिखना भी है, ताकि आप लिखना ना भूल जाएं।